वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा मनदीप कौर। परिवार का आरोप वादा किए जाने के बाद भी नहीं मिली पूरी धनराशि, जीवन यापन का नहीं कोई जरिया। लॉकडाउन के दौरान जमात से जुड़े लोगों पर टिप्पणी करने के उपजे विवाद में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को गोली मार दी गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी। चूंकि मामला दो संविदाओं के से जुड़ा हुआ था, इसलिए तूल पकड़ने लगा था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे सरकार के लोगों ने परिवार को मदद करने का आश्वासन दिया और 5 लाख रुपए की रकम देकर मदद करने की बात कही थी। अब परिवार का कहना है कि उनको पूरा पैसा नहीं दिया गया और ना ही उनकी कोई मदद की गई है, जिससे उनको अपने बच्चों का भरण पोषण करने में तमाम कठिनाइयां सामने आ रही हैं और अब परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। परिवार का कहना है कि 5 लाख में 4 लाख मिल चुका है, पर 1 लाख कब मिलेगा और दिया जाएगा भी या नहीं, इसका कोई भी भरोसा नहीं है। परिवार मृतक की पत्नी के लिए नौकरी की मांग कर रहा है। परिजनों का कहना है कि कोटे से राशन भी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनको 2 जून की रोटी नसीब हो सके। फिलहाल परिवार की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी माली हालत क्या होगी और उनका जीवन किन संघर्षों से गुजर रहा होगा। तो अभी फिलहाल इस परिवार को किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिली है और 4 लाख रुपए के अलावा, जबकि परिवार अभी उम्मीद लगाए उसी के सहारे बैठा है। गाँव का लोटन निषाद अपने कुछ साथियों के साथ पेपर में कोरोना से जुड़ी खबरें पढ़ रहा था, जिसमें जमातियों से जुड़ी खबर पर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान उधर से गुजरे मोहम्मद सोना ने इसकी बातों का खंडन किया और विरोध करने लगा। इसी बीच मौके पर पहुंचे लोगों ने मारपीट शुरू कर दी और गोलियां भी चलाई, जिसके चपेट में आकर मौके पर ही लोटन की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हत्या के बाद उपजे तनाव को देखते हुए गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को तत्काल 5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी, जिसमें उनको अभी मात्र 4 लाख रुपए ही दिए गए हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिससे उनका गुजर बस होना मुश्किल हो रहा है। आइए सुनाते हैं मृतक की पत्नी और भाई ने क्या कहा। क्या मामला है और क्या परेशानी है? हमको ये परेशानी है, क्या करके खाएंगे, क्या कहते, क्या करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करके खाएंगे। हमको ना नौकरी मिला है, ना कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। क्या कहते, 5 लाख कह रहे हैं, वो भी नहीं मिला है। क्या 4 लाख, 5 लाख कह के 4 लाख दिए, वो भी नहीं मिला। उसमें से 1 लाख अभी आपको नहीं मिला? नहीं। और आपको क्या, आपकी मांगे, आप क्या मांगे सरकार से? हम मांग रहे हैं कि हमको क्या करके खाएंगे, हमको नौकरी भी चाहिए। और क्या कहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसको पढ़ाने लिखाए के क्या करके खाएंगे। क्या नाम है आपका? सविता। आपके पति का नाम? लौटन निसार। जो पैसा मिला है आपके भाई की हत्या होने के बाद, जो प्रधान मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया था, उसमें कितना आप लोग को मिला और क्या आप लोग की समस्या है जो आप लोग कह रहे हैं कि क्या है? मुख्यमंत्री साहब, हम जो 5 लाख के जो वादा किए थे, वो 4 लाख मिला है और 1 लाख नहीं मिला है। और 1 लाख कब मिलेगा हमको ये भी नहीं मालूम है। और 4 लाख में ये हमारे बच्चे कैसे गुजारा होगा और रोज खाने कमाने के लिए कैसे परवरिश होगा। और कुछ कहीं एडजस्ट करा दे, कहीं नौकरी मिल जाए इनके, हमारे भाई भाई के वाइफ के। और बताइए कैसे होगा ये? तो इसके लिए आप लोग किसी से मिले थे, मंत्री या नेता से किसी से? मंत्री सिद्धार्थनाथ मंत्री साहब आए थे हमारे घर पे, फिर उन्होंने बुलवा कर हमको 4 लाख के चेक दिए थे। और उसके बाद कोई आया आपके पास? उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया है। अब ये पैसा 1 लाख का जो आश्वासन दिया गया है, कब मिलेगा अब ये हमको भी नहीं पता है कब मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री साहब जो रासुका ऐसे बोले थे, वो भी अभी नहीं लगाया गया है। और हमारे गांव में कंट्रोल के राशन को दिक्कत हो रही है, किसी वो राशन को ऐसा करे कि राशन भी मिलने लगे। किस वजह से राशन नहीं मिल रहा है? अब यही हत्या, यही जो मर्डर हुआ, इसी में कोटेदार गया है। अब कंट्रोल यहाँ से 2 किलो, किसी को नहीं देते। कंट्रोल 2 किलोमीटर है। अब यहाँ दिक्कत होती है, राशन नहीं मिल रहा है, गाँव में दिक्कत होती है, हम लोगों को भी दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? बिरजू निषाद। हमारे भाई का नाम लौटन निषाद है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।